शायद आप थंबनेल देखकर ये वीडियो देखने के लिए आए होंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है। अब थंबनेल पर जो आपने लिखा हुआ देखा है, फोर्थ फ्लोर खुश पटाखा। अब आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों मार्केट में भी ज्यादातर जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उन सभी के मुंह से भी हमें यही सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। वैसे जब से फोर्थ फ्लोर ओपन हुआ है उसके बाद से मैंने इस फोर्थ फ्लोर की नई पॉलिसी पर और इसके आफ्टर इफेक्ट्स पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आने वाले टाइम में क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, जब बंद हुआ था तब इसका क्या इफेक्ट था और अब जब खोल दिया गया है तो उसके बाद आने वाले टाइम में मार्केट में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फोर्थ फ्लोर को लेके नई पॉलिसी में जो जो हर्डल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों मार्केट में हर कोई ये बात बोल रहा है कि जी ये तो बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया, बिल्कुल खुश पटाखा है। जैसे कि जब हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और बड़ी खुशी के साथ मार्केट से पटाखे ये सोच के खरीदते हैं कि जब हम इनको बजाएंगे तो बहुत अच्छा धमाका होगा। शायद इस फोर्थ फ्लोर का भी इंतज़ार मार्केट में इसी एक्सपेक्टेशन के साथ किया जा रहा था, लेकिन अब जब नई पॉलिसी आई तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। हालांकि फोर्थ फ्लोर आ गया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन मैं, आप और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि सरकार की अपनी साइड हो सकती है कि उन्होंने पॉलिसी में ये क्लोज क्यों रखे हैं, ये जो बैरियर्स और जो राइडर्स लगाए हैं इनके पीछे क्या कारण है, उनका अपना एक तर्क हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे। हालांकि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। सबसे पहली जो चीज़ है इस पॉलिसी में जिसकी वजह से ये हमें लगता है कि खुश पटाखा है, वो है कि 9 मीटर रोड पर जो प्लॉट होल्डर्स हैं या जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्यों इस पॉलिसी में बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है, क्यों जिन लोगों के वहाँ पर प्लॉट हैं वो फोर्थ फ्लोर नहीं बना पाएंगे, ये मार्केट में किसी को भी समझ नहीं आ रहा। जब 10 मीटर और उसके सभी रोड्स पर इसको खोलना था तो शायद हम सब की एक्सपेक्टेशन थी कि 9 मीटर पे भी खोल दिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं 9 मीटर वालों को इससे छोड़ दिया गया है। जबकि 9 मीटर रोड पर जिन लोगों के प्लॉट हैं, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों को कहना है कि हम भी 10 मीटर 12 मीटर और 18 मीटर वाले लोगों की तरह बाकायदा प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं। अगर किसी प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी में हमारा प्लॉट है तो डेवलपमेंट चार्जेस भी टाइम टू टाइम पे करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करते हैं। मतलब हमें कहीं कोई छूट नहीं दी गई है किसी भी तरीके से, ना तो किसी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से और ना ही किसी डेवलपर की तरफ से। लेकिन आज हमें इस चीज़ से बिल्कुल अछूता रख दिया गया है कि अब हम अपने प्लॉट पर चौथा फ्लोर नहीं बना पाएंगे। तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। जब उनसे पैसा लेने की बात आती है तो उन सब के बराबर लिया जाता है, या वही जो मेंटेनेंस के रेट्स हैं, जो डेवलपमेंट के रेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट हैं उन पे लागू होते हैं जो बाकी औरों पे लागू होते हैं। तो एक तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोगों के साथ गलत हुआ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं उन लोगों की जो 1 जुलाई से पहले ये सोच के बैठे थे कि जिस दिन भी फोर्थ फ्लोर आएगा उस दिन 25,000 रुपये हमारे प्लॉट या प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने वाले हैं। आज उनको वो 25,000 रुपये देने वाला मार्केट में कोई भी नहीं मिल रहा। हालांकि हर डीलर के ऑफिस से जब भी किसी सेलर के पास कॉल जाती है तो वो सामने से बोलता है कि जी फोर्थ फ्लोर आ गया है, पहले मेरा भाव 2 लाख रुपये गज था तो आज से मेरा नया भाव आप नोट कर लो 2.25 लाख रुपये गज। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जब यही चीज़ बायर के सामने रखी जाती है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से पीछे हट रहा है और ना ही उस प्रॉपर्टी में अपना वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि फोर्थ फ्लोर आया ज़रूर है लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि अगर मैंने ये प्लॉट ख़रीदा आज 25,000 रुपये गज ऊपर तो मेरे को NOC कहाँ से मिलेगी। क्या जो सेलर है जो फोर्थ फ्लोर के नाम पर 25,000 रुपये 50,000 रुपये गज के ज़्यादा भाव मांग रहा है वो मेरे को NOC साथ लेके देगा। इस चीज़ को लेके भी मार्केट में बहुत सारे रिएक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो
अब वो जो 25,000 गज जो ज्यादा का भाव सोच के बैठे थे इस फ्लोर के आने की वजह से, अब जब उनको मार्केट में कोई भी बायर नहीं मिल रहा है और फ्लोर खुलने की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए भी गम में बदल रही है। हालांकि हम लोग रोजाना इनको ये चीज़ समझा रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर का जो इम्पैक्ट हम भी सोच के बैठे थे कि जिस दिन आएगा उस दिन बहुत अच्छा खासा भाव बढ़ेगा, लेकिन जो पॉलिसी के राइडर्स हैं, जो बैरियर्स हैं, वो शायद हमारी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेर देते हैं। तो ये जो इनका सेंटीमेंट देख के भी हमें लगता है कि फोर्थ फ्लोर शायद फ्लॉप शो है, मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इससे इम्पैक्टेड लोग हैं उनकी नज़रों में। अब बात कर लेते हैं कि जो एक NOC का क्लोज है वो अकेला क्लोज इस पूरी पॉलिसी के ऊपर इतना हैवी हो गया है कि वो भी कहीं ना कहीं इसको खुश पटाखा बनाने में सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल गया आता है। अब जैसे ही NOC की बात चलती है, जैसे ही किसी प्रॉपर्टी की डील की बात चलती है, जैसे ही किसी प्रॉपर्टी के लिए मीटिंग की बात चलती है, बायर की तरफ से सवाल आते हैं डीलर के पास या ब्रोकर के पास कि भाई साहब जो प्लॉट दिलवा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं, क्या उसमें NOC भी साथ मिलेगी। अब कहीं ना कहीं डीलर्स के पास भी इस चीज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये चीज़ किसी भी डील या मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सकती है कि वो अपने एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर्स से NOC लेकर दे, लेकिन क्योंकि ये एक अकेला इतना बड़ा बैरियर है इस फोर्थ फ्लोर को बनने में, जिसके ऊपर सवाल खड़े होना बिल्कुल जायज़ लगता है। अब तो लोग यहाँ तक भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो प्लॉट खरीदें जिसके दोनों साइड प्लॉट्स खाली हों, वो प्लॉट ना खरीदें जिसके एक साइड में स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है या कोई 2.5 मंजिल का मकान बना हुआ है, क्योंकि अगर हमने वो प्लॉट खरीदा और कल को 4 फ्लोर बनाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स की तरफ से उसमें रोड़ा अटकाया जाएगा और इस चीज़ से कोई नकार भी नहीं सकता है मार्केट में। और साथ ही साथ NOC को लेकर कुछ और भी सवाल लोगों के जहन में हैं, जैसे कि NOC का प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या एक प्लेन पेपर पे किसी एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर ने लिख के दे दिया कि जी हाँ मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और डिपार्टमेंट्स उसको कंसीडर कर लेंगे, या फिर बाकायदा इसका कोई प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के तहत इस NOC को डिपार्टमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा या कैसे ऑन पेपर्स लेके आएगा, या अगर किसी ने NOC देने के लिए मना किया तो उस केस में क्या प्रोविजंस डिपार्टमेंट्स के पास बचेंगे और क्या जो रेसिपिएंट था उसके पास इसका आगे समाधान होगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने अगर अपने एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर से NOC ले ली तो उनको बाय डिफॉल्ट मेरी NOC मिल जाएगी। अब डिपार्टमेंट्स के सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले टाइम में कि इस चीज़ को भी वो कैसे मेंटेन रखेंगे, और बार बार प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। आज जो प्रॉपर्टी सेल हो गई है कल उसका ओनर नया होगा, उस केस में उस पुराने वाली NOC की कितनी इम्पोर्टेंस होगी, वो कंसिडरेबल होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में जब डिपार्टमेंट्स प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फेस करेंगे तब शायद उनकी तरफ से इन चीज़ों को लेके क्लेरिफिकेशन आए, और उसमें हो सकता है अभी 2-4 महीने का टाइम लगे। तो ये जो NOC अकेला एक इतना बड़ा फैक्टर है जो इस फोर्थ फ्लोर को फुस पटाखा बनाने में कहीं भी पीछे नहीं है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्टेड हैं, और उनका रिएक्शन जब हमें मार्केट में सुनने को मिलता है डे टू डे बेसिस पे तो सभी इस फैसले से खुश नहीं दिखाई देते। तो ये भी हमें लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है इस फोर्थ फ्लोर के शो को फ्लॉप करने में, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये पॉलिसी आई है और अगर वो लोग ही खुश नहीं हैं तो फिर इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या। ये वही वाली बात है कि दिवाली वाले दिन हम घर में पटाखे ले आए, लेकिन जिन लोगों को उन पटाखों की आवाज़ से खुश होना चाहिए उन्हीं लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब है, तो फिर ऐसे पटाखों का और उनसे होने वाले धमाके का फ़ायदा क्या है। इन स्टेक होल्डर्स में चाहे आप बात कर लें किसी भी बायर से या किसी भी सेलर से या किसी भी बिल्डर से या किसी भी ब्रोकर से, जो लोग स्टार्टिंग के 1-2 दिन में बात कर रहे थे इसको लेके बहुत ज़्यादा, आज किसी के मुंह पर भी फोर्थ फ्लोर को लेके हमें कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। हाँ, आने वाले टाइम में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो इसके राइडर्स हैं और जो बैरियर्स हैं उनकी वजह से जो नई चीज़ें डेवलप होके आएंगी उनको लेके ज़रूर मार्केट में
चर्चाएं हैं, लेकिन इस चीज की कोई चर्चा नहीं है कि भाई साहब फोर्थ फ्लोर आ गया है और जैसा हमने सोचा था अब वो होने जा रहा है, मेरे प्लॉट के मेरे को 25,000 रुपए गज के ज्यादा भाव मिल रहे हैं या मेरे प्लॉट का इस रेट का मार्केट में मुझे बायर मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ किसी चीज की डिमांड बढ़ा देना या जो आस्किंग रेट है वो बढ़ा देना, वो बेंचमार्क नहीं है कि प्रॉपर्टीज के भाव बढ़ गए हैं। हम प्रॉपर्टी का भाव तब बढ़ा हुआ मानते हैं जब जो हमारी डिमांड है, जो हमारा आस्किंग रेट है, उस रेट पर मार्केट में उसका कोई खरीदार हमें मिले। हमारे लिए हमेशा भाव रियल स्टेट में वही होता है, जबकि कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा मानना हो कि मैं जो अपनी प्रॉपर्टी का जो डिमांड रख रहा हूँ, जो आस्किंग रेट रख रहा हूँ, वो इस प्रॉपर्टी का भाव है। क्योंकि कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है और ना ही ऐसी कोई बॉडी है जो ये डिसाइड करती हो कि किस प्रॉपर्टी का रेट क्या होना चाहिए, क्या जायज है, क्या सही है और क्या गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से डिपेंड करता है बायर सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि मेरी आस्किंग 2,00,000 रुपए गज है और मुझे बायर मिल रहा है 1,90,000 रुपए गज का। तो जहां पर हम दोनों कि एक राय हो जाती है रेट को लेके, उस प्रॉपर्टी का रेट एटलीस्ट मेरी नजरों में वही होता है। तो आज ना बायर खुश दिख रहा है, ना सेलर खुश दिख रहा है, ना बिल्डर खुश दिख रहा है, ना ब्रोकर खुश दिख रहा है। फिर इस पॉलिसी की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि जब इन चारों के चेहरे की हंसी अगर गायब करना हमारा मकसद था तो फिर इस फ्लोर का फायदा क्या है? अब इस चीज को आने वाला टाइम डिसाइड करेगा कि क्या ये पॉलिसी हमारे लिए फायदे का सौदा होगी या हमारे लिए घाटे का सौदा होगी। तब तक आप और हम मिलके सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे जैसे आगे चीजें एग्जीक्यूट होंगी, मार्केट में नई डेवलपमेंट्स होंगी फोर्थ फ्लोर को लेके और नए क्लैरिफिकेशंस आएंगे, मैं आपके लिए ये वीडियोस फोर्थ फ्लोर को लेके हमेशा लेके आता रहूँगा। तो अगर मेरे वीडियो से आपको लगता है कि आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हो रही हैं या आपके दिमाग में या आपके दिल में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कुछ हद तक दूर हो रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी सफ़र बहुत लंबा है जो हमें तय करना है। भविष्य में भी मैं आपसे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार की उम्मीद हमेशा करता रहूंगा। मैं हूं नरेश सिंह सेखा। थैंक यू सो मच।